सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, मैं फिर आ चुका हूँ के बीच एक और न्यू लेटेस्ट कॉन्फिग लेके। और आज का जो कॉन्फिग है वो आप लोगों के लिए बनाया गया है यार, पूरा 100% आईफोन सेंसिटिविटी का होने वाला है। पूरा वीडियो के एंड तक देखना, तभी आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड से आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो फाइल को भी, नहीं तो आप यूज़ नहीं होगा। और वीडियो के अंदर ही आपको अप्लाइंग प्रोसेस और डाउनलोडिंग प्रोसेस सब आपको वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा। और पूरा वीडियो केयरफुली वॉच कर, ज़्यादा बड़ा वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, पहले हम फाइल डाउनलोडिंग प्रोसेस देख लेते हैं यार, कैसे करना है फाइल डाउनलोडिंग प्रोसेस। आप जब लिंक में क्लिक करोगे आप एक ऐसे वेबसाइट पे चले जाओगे, बहुत इजी है गाइस, देख लेना है शुरुआत। और गाइस देख लो यहाँ पे टाइमर चल रहा है, टाइमर जब ख़त्म होगा तब क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। और गाइस फाइल डाउनलोडिंग प्रोसेस बहुत ईजी है, केयरफुली देखना है इसको, तभी समझोगे यार कैसे करना है, नहीं तो यार समझ नहीं पाओगे। जैसे जैसे मैं बताऊँ प्रोसेस में स्टेप करना है, कुछ भी अपने हिसाब से नहीं रोकना है, नहीं तो आपका फाइल वर्क नहीं करेगा। सो गाइस टाइमर ख़त्म हो जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है, उसके बाद ओपन कंटिन्यू में क्लिक करना है। ओपन कंटिन्यू जब आप क्लिक करोगे तब आप ये वाले वेबसाइट पर चले जाओ, प्लीज़ कंप्लीट द टास्क टू अनलॉक। फिर ऐसे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद देख लो, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाएगा ये अनलॉक करने का, तीनों आपको कम्प्लीट करना है। सो सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब पर और लाइक ऑन यूट्यूब दोनों है, दोनों का आपको ठीक से करना है। सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब में जब आप क्लिक करोगे तो आप यूट्यूब पर चले जाओगे, यूट्यूब जाने के बाद आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और गाइस बस सब्सक्राइब करने के बाद फिर से आपको वहीं पर वेबसाइट पर चले जाना है क्रोम में, जैसे मैं जा रहा हूँ। देखो क्रोम में जाने के बाद आपको लाइक ऑन यूट्यूब में जाना है, लाइक ऑन यूट्यूब में जाने के बाद आपको इसको लाइक कर लेना है वीडियो को, बस गाइस। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे चले आना है, और अगर आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपका फाइल हो जाएगा, लिंक ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको लिंक ओपन कर लेना है, और बस गाइस इतना ही तो है। उसके बाद आप लोग आराम से अपने फाइल को डाउनलोड कर लेना। बस गाइस फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आपको ZRCV को डाउनलोड कर लेना है मेरे लिंक से। ZRCV डाउनलोड हो जाने के बाद दोनों जब आपको डाउनलोड हो जाएगा तो आप चले आना ZRCV पे, और जब आ जाने के बाद आपको डाउनलोड में जाना है। उसके बाद आईफोन सेंसिटिविटी जो फाइल आपने जो डाउनलोड किया है उसको आपको ओपन कर लेना है, अंदर से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक्सपेक्टेड करना, मैंने आपको पहले ही बताया था यार पासवर्ड वीडियो के अंदर ही है, पासवर्ड अभी भी बता रहा है यार वीडियो के अंदर है, पूरा वीडियो को एंटर दिखना। और जब पासवर्ड देने कोई हो गया मेरा, उसके बाद जो थोड़ा रुक जाना, एक्सपेक्टिंग होगा थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद बस ये हो जाने के बाद आपको एक फाइल मिलेगा, फाइल में आपको क्लिक करना है। फाइल में क्लिक करने के बाद सेंसिटिविटी देख लो यार कैसा कोडिंग दिया है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है गाइस, देख लो इतना सारा कोडिंग मिलेगा। सो गाइस सेंसिटिविटी मेरा डेस्क इसको ये वाला जो फाइल है इसको आपको एक बार होल्ड करके रखना है, कट कर लेना है। उसके बाद डिवाइस मेमोरी में जाना है, उसके बाद एंड्रॉयड, उसके बाद डेटा, उसके बाद अगर आपको फ्री फायर में करना है फ्री फायर में जाना, मैक्स में करना है मैक्स में जाना है। मैं भी जिसमें जा रहा हूँ देख लो फ्री फायर करना, जिसमें आपको जाना है उसमें आपको क्लिक कर लेना है। बस गाइस क्लिक कर लो, क्लिक करने के बाद आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद यहीं पर आपको इसको पेस्ट कर देना है, आप जिसमें चाहो उसमें करना, फ्री फायर मैक्स में और या फिर फ्री फायर में। बस गाइस इतना करने के बाद आपको फिर से चले आना है, उसके बाद दो जो कोडिंग बचेगा एक ही दिनों को आपको फिर से कट कर देना है दोनों को एक साथ। उसके बाद आपको डिवाइस मेमोरी भी जाना है, उसके बाद एंड्रॉयड में जाना है, एंड्रॉयड में जाने के बाद आपको डेटा सेम प्रोसेस उसके बाद मैक्स में करा था मैक्स में, फ्री फायर में करा फ्री फायर में। उसके बाद जाने के बाद फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद आपको जाना है कॉन्टैक्ट कैच में जाने के बाद आपको कंपलसरी में जाने के बाद आपको जाना है कंपलसरी, उसके बाद एंड्रॉयड, उसके बाद गेम मंडल, और उसके बाद आपको जाना है इन गेम में, इन गेम वाले फोल्डर पर जाना है। फोल्डर में जाने के बाद आपको उसको पेस्ट कर देना है। और गाइस बस जब ही आप इतना करोगे मोबाइल को रिस्टार्ट करके, आप उसके बाद आपको गेम प्ले देखना है यार, पूरा सेंसिटिविटी हाई हो जाए जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, पूरा आईफोन सेंसिटिविटी और आईफोन ग्राफिक पूरा फीलिंग है आईफोन की तरह आएगा यार, हेडशॉट तो लगेगा ये लगेगा अगर आपको आता है तो। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, बहुत मेहनत से यार वीडियो बनाया था, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अभी चैनल ग्रो हो रहा है यार हम लोग का यार, न्यू चैनल है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।